मैसेज है, तो ये हुआ था मतलब कि मैं इसे पिक करूँगा, लेकिन ये मुझे पिक करने आया है और ये भी ब्लॉग वीडियो बना रहा है। प्रतीक से हाय। अरे यार तेज बोल भाई। हाय। ये तो एक जरिया हो गया आपके लिए, उनको पैसा कमाएंगे, पैसा कमा लो बस। एक तो दूसरे नंबर, पहले नंबर तो पेपर नहीं रहते कुछ ऑटो वाले, तो उसमें अगर पेपर नहीं रहेगा भाई वोट कर रहे, तो अगर वोट के पहले उन्हें 1000-1500 रुपए दे दिए तो छोड़ दिए ट्रैफिक वालों ने, अगर नहीं दिया तो वोट कर दिए। इसके पास पेपर भी है, प्रेस में, नेम प्लेट में, सब कुछ में पेपर भी है, तब भी अगर रुका लिए उन्हें, अगर 500 रुपये 600 रुपये नहीं दिए तब भी वोट करना होगा। मतलब कोई बात होगी ना, अगर 5000 की जगह 2000 किसी को देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर 2000 पुलिस की जेब में जाएंगे 500 की जगह, वो घपला पहले भी था आपकी लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर इन्हीं सब के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है? प्राइवेट वालों के लिए उनकी हिम्मत नहीं है बात करने के लिए। अच्छा, उनके पास तो पेपर होके रहते हैं, भले तो फोन करते समय पकड़े जा सकते, उनसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन वो बात होगी ना कि वो ऑटो ड्राइवर को बस थापड़ भी मार दे अगर किसी से बात सही बोल लो, उसका फोन बात ही नहीं करेगा भाई। वो बात तो लगती है ना भैया कि यहाँ पे ऑटो ड्राइवर अमीर गरीब का भेदभाव भी हो गया, वो अपने से छोटे को दबा दो, अपने से बड़ों को फिर खुद के काफी कुछ नहीं बोलो, उसका काम तो यही है कि सबको एकदम समान रूप से उनका वो करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसके आपका भी तो यही नजरिया होना चाहिए। थैंक यू भैया, आपकी बाय।
पेमेंट डालने पड़ेंगे। हाँ वही तो दिखा भी रहा, पता नहीं कैसे डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो करके वापस कर नहीं डालने पड़ेंगे। तो अभी हम टिकट कराने गए थे और फिर वहाँ पे टोकन मशीन ख़राब हो गई, तो अब हमें यहाँ पे काउंटर पे जाना पड़ रहा है। दो आई आ जा। तो पता नहीं बताओ भी कैसे, अभी खाने समय खाना बताता हूँ लाना, ये बताएगा बंदे ने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो सिटी सेंटर से बताया। उसके बाद अगला कौन सा स्टेशन था? इफ्को चौक था। इफ्को चौक, इफ्को चौक के बाद बंदे को ध्यान आ रहा है कि बैग भूला है ये अपना। अब मेरी फट के हाथ में आ गई, अगर मैं तो गया था आज मेरा बैग, आज मैं वहीं पे क्लूलेस पड़ा रहता, पता नहीं क्या करता वहाँ पे बैठ के रोता पीटता। पैसे सारे मेरे बैग में थे, मैं ट्राइपॉड में बैग में था, मैं एकदम फट के हाथ में बाद में चुगली में फिर भी करूँगा तेरी। अगर ये बंदा फिर कॉल में पूरा हर किसी को मेरे बारे में चुगली कर रहा है, देखो देखो ऐसे कर रहा है, अब एकदम मॉरल डाउन हो गया मेरा वहाँ पे। फिर हम तुरंत वहाँ से भागे और इसको चौक से हमने उठा की मेट्रो ली, वहाँ पे मैंने फिर पिकअप किया बैग, वहाँ से फिर से हमने यहाँ की मेट्रो ली। अलग ही चक्कर हो गया, 20 मिनट पूरे बर्बाद। अरे एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स है शास्त्री मार्ग पे, पता ना कर जाओगे शास्त्री मार्ग क्या शास्त्री नगर होगा शास्त्री मार्ग ब्लॉक WZ है। खानदार ने बोला कहाँ बोला क्या कहाँ कौन जगह बोला ये एड्रेस है भैया ब्लॉक WZ शास्त्री नगर इंद्रपुरी। आज के वीडियो पर डाटा रखना पड़ेगा, किस्मत की लगी पड़ी है क्योंकि सुबह से लेके अब तक मोबाइल छीन के ना मार देते ना कोई। हाँ भाई पकड़ के रखो। हाँ भाई पकड़ के रखूँगा, क्योंकि आज लगता है कि मोबाइल भी जाएगा, पैसे जाएंगे, पता नहीं कि कपड़े भी चले जाएँ शायद। पहले बैग गया मेरा, फिर आईएनए स्टेशन पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पुलिस ने ब्लॉगिंग करने का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, लेकिन यार ये थोड़ा तो फ्यू बोले अब कुछ भी करे यार। अब पहला ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस था और में किस्मत के जोड़े पड़ गए मेरे। ये वीडियो घर पे भी दिखानी थी मेरे को, जो तूने अब ये लाइन भी बीप करनी पड़ेगी, अच्छा सुंदर शब्द बोला है तो ऐसे क्या पता घर में ना दिखा पाए इस वीडियो को। अब वीडियो सेंसर होगी अगर यूट्यूब पर डालेंगे, अब एक वर्ड के लिए यार सेंसर बन गया, सेंसर नहीं होगी एक वर्ड के लिए सेंसर छोड़ना होगा यार। पता नहीं आजकल के लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। गेट है इस तरह वाला? हाँ गेट तो यही लग रहा है मुझे, पर अभी भी थोड़ा चलना है, राह लंबी है। और फिर हमने वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, और वहाँ पे हम वहाँ पे आईने पे गए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली, वीलॉग तो पहले डिलीट करवा दिया तो वो तो मिल नहीं पाएगा। अब वो वीडियो गया, अब ऊपर से 5,000 मांग लगे, थे हमारे पास 400 भी नहीं, और उसके बाद 5,000 मांग हज़ार थे दोनों के पास, इतने गरीब भी नहीं थे।
And Hong Kong property, the development in Hong Kong, is probably reflecting some. वो भी हमारी ब्रेक हो चुकी है और सब थोड़ा सिर दर्द हो गया यार यहाँ पे रहते रहते कोई अपने काम में बिजी है बंदा हाँ मेट्रो लेंगे प्रतीक जल्दी भाग तो आज का सफ़र पूरा हुआ बड़े बोर हुए नींद आ रही है कल तो कॉलेज जाने का कोई ख्याल नहीं है ये बंदे ने होप छोड़ दिए वीडियो व्लॉग बनाने से और पर मैं इस वीडियो व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा और आगे वीडियो व्लॉग आगे के दिन का मैं बनाऊँगा यहाँ पे हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार देखते हैं देखो वीडियो को देख के हंसी आ रही है इसको हमारा सफ़र अब यहीं पे ख़त्म होता है तो अब आपको मिलेंगे दूसरे व्लॉग में और यहाँ पे ये देखिए दूसरे खाना